आज मैं अरविंद आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ, जिसका नाम फिजाला वाला है फ्लाइंग से। और जो मैंने आज उस दिन वो कबूतर पकड़ा था जो लाल सा था, उसको मैं आज आज़ाद करने वाला हूँ, उसके पर खोलने वाला हूँ यानी कि। और आज मैं अब जा रहा हूँ अपने बच्चे को पर खोलने, जो मैंने पकड़ा था। पहले सारे कबूतर खोलता हूँ बाहर, क्योंकि ये नया कबूतर है, कहीं भाग ना जाए। ये आज मैं अभी अपने बच्चे को आज़ाद करने वाला, जो मैंने पकड़ा था उसको आज़ाद कर देंगे। वैसे भी कितने दिन तक इस कबूतर को रोक सकते हैं? जो कबूतर भागने वाला होता है वो तो भागता ही है, लेकिन हम अपने तरफ से थोड़ा बहुत तो कोशिश कर ही सकते हैं। इसीलिए मैंने कुछ दिन, तीन चार दिन इसीलिए रोक लिया था। अब मैं इसके ऊपर खोलने वाला हूँ। वैसे भी बच्चा कबूतर भागेगा नहीं वैसे तो, मुझे पता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखाऊँगा कि कितने दिन में ये हिलेगा बच्चा, उड़ा के भी दिखाऊंगा आपको। ये तो मैं खाली इसका पर खोल रहा हूँ। फ्रेंड, वैसे तो कबूतर को पर में टेप नहीं मारना चाहिए, पर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास दिन पिन नहीं था इसीलिए मुझे मारना पड़ा टेप। लेकिन मैंने ढंग थोड़ा ढीला मारा था। आप प्लीज़ कबूतर का पर में टाइट टेप ना मारे, नहीं तो आपके कबूतर का पर ख़राब हो सकता है। ये कबूतर का पर खुल चुका है, ये कबूतर का पर खुल चुका है, जैसे कि मैंने कबूतर का पर खोल दिया है। देखिए फ्रेंड, कबूतर कितना बेटर फील कर रहा है। अब देखते हैं ये भागता है कि रुकता है, कुछ दिन के बाद उड़ाएंगे इसको। अब देखते हैं भागता है कि रुकता है, अब कुछ दिन के बाद तो उड़ाएंगे इसको। ये बच्चा है, ये मेरे सारे कबूतर सारे घूम रहे हैं पूरे छत पे। टोटल कबूतर है ये, कुछ चार बच्चे निकल रखे हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे निकल रखे हैं जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है, ये रे दो बच्चे और, बस इतने ही बच्चे हैं। जिसको मेरी वीडियो अच्छा लगे वो लाइक करे और कमेंट करे, और जिसको मेरी सबसे पहले वीडियो चाहिए वो प्लीज़ सब्सक्राइब करे और घंटे को दबाना ना भूले। Anybody out there hear me, hear me.